नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में आज भी करीब भरे निशान में कामकाज हुआ है। मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ बाजार कामकाज करते हुए, लेकिन आज जो सपोर्ट मिल रहा है वो ऑयल एंड गैस के साथ साथ एफएमसीजी की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, आधा फीसदी की बढ़त दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है। लेकिन इवेंट काफी बड़े हैं आज के लिए, स्पेशली विप्रो के नंबर्स आए। नंबर्स के बाद बिकवाली देखी जा रही है। करीब 6% तक एक समय में विप्रो का शेयर रूट अप 4.5-4.5% नीचे है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आने वाले हैं, उनके ऊपर मार्केट अवेट कर रही है उन नंबर्स को। एडवांस एंजाइम का आईपीओ आज से खुल चुका है, किस तरह के आंकड़े आते हैं उस पर भी नजर रहेगी। 881 रुपये अपर एंड पे कंपनी प्राइस बैंड भी तय किया हुआ है और कई ब्रोकर्स यहाँ पर सब्सक्राइब करके चलने की राय भी दी जा रही है। लेकिन मार्केट्स के अंदर जो मूव आ रहा है उस पर स्पेशली छोटे शेयर और स्पेशली छोटे फार्मा शेयर, उनमें कुछ बाइंग आज के लिए ज़्यादा एक्टिव है। फार्मा शेयरों में एक अच्छी बाइंग है। एफएमसीजी भी काफ़ी तक सपोर्ट कर रहा है। आईटीसी के नंबर्स कल आ रहे हैं तो उससे ठीक पहले यहाँ पर कुछ बाइंग भी आती हुई दिखाई पड़ रही है। टाटा ग्रुप के शेयरों में एक जोरदार बाइंग है, स्पेशली छोटे टाटा ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं, टाटा स्पॉन्ज, टाटा ग्लोबल, टाटा मेटेलिक, टाटा एलेक्साई, इन सब में कुछ बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स, सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं जहाँ पर कुछ एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Absolutely. और कुछ और सेक्टर्स की तरफ ध्यान दें जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार में दायरे में कारोबार हो रहा है, 0.20% तक की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8545 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी का कामकाज हो रहा है। लेकिन छोटे मझौले फार्मा शेयरों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। शारंग बायो में आप देखिए, एकाएक स्पाइक के साथ अब 14-15% तक के उछाल के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर यह शेयर कामकाज कर रहा है। और फार्मा, इसके अलावा ओकिड फार्मा, साथ ही ग्लेनमार्क और ऑलिम्बिक फार्मा जैसे शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्पॉन, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ और साथ ही टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल जैसे शेयरों में 1-3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड शेयरों में आज अच्छी बढ़त है। बीएमएल, सोलर इंडस्ट्रीज, साथ ही आप देखिए हैवल्स और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में 1-2.5% तक का इंप्रूवमेंट आज देखने को मिल रहा है। कुछ और पॉकेट की तरफ नजर डाल लेते हैं जहां पर अच्छी बढ़त है। पावर शेयरों में आज अच्छी तेजी है। एबीबी देखिए आप, क्रॉन्टन ग्रीव्स या फिर पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सीमेंस जैसे शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 2% तक का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ अब शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल गौरंग शाह हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ आशीष केलकर भी होंगे जो कि आज के सेशन में आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी शो में शामिल होना चाहते हैं, शेयर से जुड़ी हुई क्वेरीज पूछना चाहते हैं, उठाइए अपना फोन, एसएमएस के जरिए हमें अपनी क्वेरीज भेजिए। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1-800-1803545, साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 01204258237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपना शेयर लिखिए, शेयर की क्वांटिटी लिखिए और शेयर का भाव लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक जो है वो प्रदीप बातचीत करने के जलंधर से। प्रदीप जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास 5000 एसबीआई के शेयर है एट द प्राइस ऑफ 198। चलिए बहुत अच्छे भाव पर और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपने शेयर ले रखे हैं। टाइम फ्रेम क्या रखते हैं प्रदीप जी अब आप? अराउंड 2 साल का। गौरांग 5000 शेयर हैं, 198 के भाव पे खरीदारी है, करीब 32 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है इन्हें, क्या करें? अभी भी नजरिया इनका लंबी अवधि का है। देखिए सुमित जी, सुप्रभात आपको पहले तो, और 2 साल का नजरिया और हमारी भी पॉजिटिव कवरेज डिस्क्लोजर है 245 के आसपास मौजूदा हालात में जो अब तक नतीजे आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बहुत जल्द इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और जो परिस्थिति पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरे और चौथे तिमाही में बिगड़ती हुई दिखाई दी थी वो थोड़ा बहुत सुधार धीरे धीरे आने वाली तिमाही में आता हुआ दिखाई देगा। नज़रिया 2 साल का है, बनाए रखें, अगर नतीजे अच्छे आएँ तो हमारे जो लक्ष्य हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। एब्सोल्युटली। चलिए इसी बीच एक शेयर को देख लेते हैं। एमटीएनएल में अभी सडन स्पाइक के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर आप एमटीएनएल के शेयर को देखेंगे तो दिन के उच्चतम स्तरों पर ही अब ये शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त प्राइस बैंड क्या देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट्स पर स्टडी करें एमटीएनएल का शेयर तो इस वक्त जो प्राइस आ रहा है एमटीएनएल का वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेट मी जस्ट शो द प्राइस टू यू। अब 22 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और एकाएक स्पाइक के साथ आप देखिए 1.5% तक की तेजी एमटीएनएल के शेयर पर देखने को मिल रही है। 21.95 के लेवल्स पर एमटीएनएल कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। चलिए अपने अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक हैं फोन लाइन पर। नमस्कार दीपक, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम, ऐसे कैनरा बैंक के शेयर है 100 शेयर एग्रीगेट 2.20।
किस प्राइस पर आपने लिया? 240? 220. ऑल राइट. और आपका नजरिया क्या है? जी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है, चलिए अभी तो आपको 20 रुपए के आसपास का. हाँ जी, मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ मुझे ये पता करना है. एंड सेकेंडली मुझे आप कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जहाँ पे मैं 3 to 6 months के लिए अच्छे से निवेश कर सकता हूँ. और मैं तो जीएसटी बिल का बताइए कि जीएसटी बिल के लिए मैं कौन से इसके लिए शेयर में निवेश करूँ, गटी वगैरह में निवेश करना ही करना. जी 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 बिल्कुल, काफी सारे सवाल हैं आपके मन में. चलिए कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों को एड्रेस करने के लिए. गौरांग, इनका सवाल सबसे पहले कैनरा बैंक पर है और ये जानना चाहते हैं, 240 रुपए के आसपास खरीदारी की है, 20 रुपए का भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, कब तक इनको होल्ड करना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. एक दूसरा आपसे जानना चाहते हैं कि 3 to 6 months के पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप इनको कोई शेयर्स बता पाएं, खासतौर पर जीएसटी के आने की उम्मीद जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए किसी स्पेसिफिक सेक्टर में या फिर शेयर में ये निवेश कर सकें. तो देखिए प्रश्न काफी सारे इनके, लेकिन इनको एक हिदायत दूंगा. पहले तो आपने सरकारी बैंक में पैसे लगाए हैं वो भी छोटी अवधि से, और अभी अभी मैं कुछ जिक्र कर रहा था सरकारी बैंकों को लेकर के जो तिमाही नतीजे होंगे वो एकदम से सुधरेंगे नहीं, धीरे धीरे करके सुधार आएगा. तो जो भी ऊपर की तरफ के दायरे मिलते हैं आपको वहाँ पर आप अपना मुनाफा बांध लीजिए कैनरा बैंक में, और लंबी अवधि के नज़रिए से आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में निवेश करें. जहाँ तक रहा सवाल जीएसटी को लेकर के, तो जाहिर है आपको फुटवेयर कंपनियाँ, पेंट कंपनियाँ, एफएमसीजी कंपनियाँ, लॉजिस्टिक क्षेत्र की कंपनियाँ, यहाँ पर आपको जो आसार है वो सुधरते हुए नज़र आएंगे. लेकिन जीएसटी बिल पास होना एक बात है और उसको लागू करना जो कि काफ़ी लंबे समय लगेगा वो एक अलग बात है. चले तो आपको राय दी गई है अलग अलग शेयर्स पर, कौन से शेयरों पर आप निवेश कर सकते हैं इन पर भी आपको राय दी गई है. लेकिन अब क्योंकि आज से एक आईपीओ खुला है, एडवांस एंजाइम का आईपीओ खुला है, उस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है. मिस्टर चंद्रकांत एल राठी, प्रमोटर एंड एमडी कंपनी के मौजूद है हमारे साथ. मिस्टर राठी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, और पहले तो मुबारकबाद आपको आज से आपका आईपीओ. नमस्कार मेरा सर, जो रिपोर्ट्स रेफर की गई हैं, जो भी कंपनी के बारे में डिटेल्स मिली हैं उसके लिहाज से एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है कंपनी का और एक अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी ने शो किए हैं पिछले कुछ समय में. तो जो कंपनी की ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है, पहले तो उसी को ही क्या कंपनी आगे मेंटेन करने वाली, यानी कि 20% की CAGR जो कंपनी मेंटेन कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आगे मेंटेन करेगी, और दूसरा इतने बड़े साइज के साथ, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, इतने बड़े साइज के साथ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहने वाली है? धन्यवाद सभी लोग, दर्शकों से और सभी से मैं धन्यवाद की. देखिए ये एंजाइम, ये पूरी सनराइज इंडस्ट्री है. ये तो अभी तो हम बोलते हैं कि टिप ऑफ आइसबर्ग में है, क्योंकि एंजाइम ये प्रकृति का एक हिस्सा है. हर चीज़ जो प्रकृति में होती है वो एंजाइम के द्वारा ही होती है. तो एंजाइम को वापरने के अवसर जो है वो हर दिन नए 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 खुलते जा रहे हैं. तो इसलिए ग्रोथ के बारे में हमें कोई संदेह नहीं लगता है कि ये कंपनी में, और अभी आप देखेंगे हमारी कंपनी का जो सेल लास्ट ईयर जो हुआ वो 294 करोड़, और मार्केट पूरा है करीबन $6 billion, मतलब कम से कम 100 गुना बड़ा मार्केट आज है, और वो मार्केट भी 7% से डॉलर टर्म में ग्रो हो रहा है. मतलब हर साल 5,000 करोड़ का नया एंजाइम का मार्केट खुलते जा रहा है. और हमारी ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व की पहले 15 कंपनी में हमारी कंपनी आती है. तो हमारे लिए तो ये ग्रोथ रेट बरकरार रखना काफ़ी संभव है. हमें पूरी आशा कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. आप हमारी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, पिछले 27 साल से कंपनी लगातार मुनाफा कमाती आई है, और सस्टेनेबल रिसर्च करना और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ करना ये कंपनी का एस्टैब्लिश दायरा है बिजनेस का, जो आप बिल्कुल गहराई से देख सकते हैं. तो ये बिल्कुल आगे चलते रहेगा. राइट मिस्टर राठी, आपने सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात की, आपके मार्जिन्स के बारे में जानना चाहेंगे. अभी जो आपके एंजाइम्स होते हैं या फिर जो कारोबार है उसमें किस तरीके के मार्जिन्स अभी आपकी हैं, आगे जाते हुए क्या मार्जिन आउटलुक आप देख रहे हैं? हमारा जो बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है. इसमें हम कहीं कुछ
हम हमारा खुद का रिसर्च करते हैं, हम हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम हमारा खुद का मार्केटिंग भी करते हैं, और हम कस्टमाइज सॉल्यूशन हर कस्टमर को, हर एक हमारे क्लाइंट को, हम उसके मुताबिक, उसके ज़रूरत के मुताबिक हम उन्हें सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। तो ये जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें हमारे जो आज के जो मार्जिन है वो बिल्कुल उसी लेवल में, मतलब 45% से ऊपर बरकरार रहेंगे आगे फ्यूचर में भी, ये बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है।